कोरोना संकट काल में अनलॉक एक के लिए अब यूपी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत 1 जून से 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली के हॉटस्पॉट से आने वालों पर गाजियाबाद और नोएडा में रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर 100% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। ताज़ा गाइडलाइंस के मुताबिक 8 जून से अनलॉक के पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल और शॉपिंग मॉल आदि खोले जाएंगे। दूसरे चरण में केंद्र के निर्देश के बाद स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। तीसरे चरण में मेट्रो, विदेशों के लिए उड़ान, सिनेमाघर, मनोरंजन पार्क खोलने पर चर्चा होगी। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक केवल विशेष परिस्थितियों में ही चलने की अनुमति होगी। जिला प्रशासन अपने हिसाब से धारा 144 लगा सकेगा। उत्तर प्रदेश में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन पहले की तरह वहां बैठकर खाना मना रहेगा। शहरों में साप्ताहिक हाट और बाजार नहीं लगेंगे। पूरे प्रदेश में दुकानों को रोकने के लिए ये तय किया गया है कि दुकानदार ग्लव्स और मास्क पहनकर ही दुकान चलाएंगे। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। सुपरमार्केट भी खुलेगी। टैक्सी, कैब, रिक्शा आदि निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बिठाकर चला सकेंगे। रोडवेज बसें भी चलेंगी, हर सीट पर सवारी बैठ सकेगी। किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी। बस में जितनी सीट है उतनी ही सवारी बैठाई जा सकेगी। इसके अलावा थर्मल स्कैनिंग के बाद ही सवारी बैठ सकेंगी। सफर पूरा करने पर बसें सैनिटाइज की जाएंगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, मेट्रो सेवाएं अगले आदेशों तक बंद रहेंगी। यूपी में पार्क अब सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खुलेंगे। सारे प्रतिबंध अब कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के लिए जो गतिविधियां भारत सरकार ने निर्धारित की है, सिर्फ उन्हीं की कंटेनमेंट जोन में अनुमति होगी। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की गतिविधियां जैसे डोर टू डोर सर्वे, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था और सफाई व्यवस्था सुचारू रखने की अनुमति होगी।